आज मैं आपको बताऊंगा कि थंडरबर्ड बाइक है ये रॉयल एनफील्ड की, तो इसमें जो पिछली ब्रेक है, तो ये देखिए मैं इसको चलाता हूँ, तो ये जब एक टाइम पे घूमने के बाद एक टाइम पे टाइट हो जाती है, ये देखिए घूमते हुए एक जगह रुक जाती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस कारण रुकती है और किस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हो। तो आइए देखिए फ्रेंड्स वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो थंडरबर्ड है उसकी पिछली डिस्क है, जो चाहे वो थंडरबर्ड है चाहे गनमेटल है, तो वो उसका कोई इशू नहीं है। उसमें सबसे पहले आपने ये वाला इसका जो है क्लिप निकालना है, ये वाला निकालने के बाद इसी तरह दूसरा है उसको भी आप निकाल लो बाहर, ये दोनों निकल जाएंगे। ये दोनों निकलने के बाद आपने इसके ये वाला देखो ये वाला नट बाहर निकालना है, ये वाला, ये बाहर निकालने के बाद आपने इसके ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुके हैं, ये निकलने, ये प्लास की हेल्प से निकलेंगे, तो इसको आपने प्लास की हेल्प से निकालना है। ये देखिए इस तरह से इसको हिला के बाहर निकालना है आपने, ये देखो फ्रेंड्स इसको आपने बाहर निकालना है ऐसे ही हिला हिला के। ये देखो फ्रेंड्स इसके जो इसके डिस्क पैड हैं ये बिल्कुल ही घिस चुके हैं, बिल्कुल ही घिस चुके हैं, ये पैड नए डलने वाले हैं। और मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से इनको भी रिपेयर करके आप डाल सकते हो। ये देखो दोनों ही डिस्क पैड जो हैं बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैं अब टायर घुमा के दिखाता हूँ, ये देखो कितना स्मूथ घूम रहा है, ये देखिए कितना स्मूथ घूम रहा है, जबकि जब ये अंदर लगे हुए थे इस तरह से ये दोनों ही डिस्क को इस तरह से पकड़ रहे थे, इस तरह से पकड़ रहे थे, जो ब्रेक जब हम दबाते हैं तो इस तरह से ये टच हो जाते हैं, और जो आगे घूम हमने अच्छे से सैंड पेपर से साफ कर लेना है। अगर आपके पास सैंड पेपर ना हो, अगर आपके पास सैंड पेपर नहीं है तो आप इस डिस्क पैड को ज़मीन में भी घिसा सकते हो, ये देखिए इस तरह से ज़मीन में घिसाने से ये देखो कितनी कार्बन इसमें से निकल रही है, ये देखिए ये नए जैसा चमकने लग गया है। तो फ्रेंड्स इसका डिस्क ब्रेक का जो है यहाँ पे सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर अटक चुका है जिसके करके हमारे पैड इसमें नहीं जा रहे हैं, इसके लिए हमें इसका व्हील खोलना पड़ेगा, और व्हील खोलने के लिए मैं बताता हूँ आपको, हमें ये वाली चाबी चाहिए या हमारे रॉयल एनफील्ड की किट में ही होती है जो ये वाली, इससे भी खुल जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले फ्रेंड्स हमें यहाँ पे इसके जो ये है इसमें पेचकस डालना पड़ेगा ताकि ये जब घूमता है तो घूमने से रुक जाए, इजी खुल जाएगा। दूसरी साइड से आपने पकड़ के रखना है, पेचकस निकल जाता है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ जाएगी। ये देखिए ये से खुल जाएगा, ये खुलने के बाद मैं फ्रेंड्स अकेला ही हूँ जिसके करके मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसको जो पेचकस फंसाया था हमने यहाँ से इस तरह से इसको हमने खींच के बाहर निकाल लेना है, इस तरह से ये ऐसे निकल जाएगा। ऐसे निकलने के बाद इसको साइड में रख दो आप, किसी साफ जगह पे रखना ताकि उसमें मिट्टी ना लगे क्योंकि ग्रीस वगैरह लगा होता है उसमें। ये देखिए इसको भी इस तरह से निकाल दीजिए, इसकी सेटिंग मत बिगाड़ना आप। और उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए इसको आप जब बाहर को खींचोगे तो इस तरह से, तो फ्रेंड्स जब आप इसको इसके क्लिपर को पकड़ के बाहर को खींचोगे तो इजीली निकल जाएगा, ये देखिए ये निकल गया, ये निकल गया है। और फ्रेंड्स इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से,
ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये क्लिपर होता है इसका ये सिलेंडर होता है, जो ये सिलेंडर है ये हमारा जाम हो चुका है, जिसकी वजह से ये मैं आपको डिस्क पैड दिखाता हूँ दोनों ही, ये देखिए जिसकी वजह से डिस्क पैड ये आ नहीं रहे हैं, ये देखिए ये दोनों डिस्क पैड हो गए हैं ये, और उसके बाद यहाँ पे डिस्क प्लेट भी हो गई है जो ये है, ये डिस्क प्लेट है, तो ये दोनों ही नहीं आ रहे हैं यहाँ, तो हमें इसको अंदर धकेलना है। अंदर धकेलने के लिए हमें यहाँ से प्रेशर डालना है इस पर, इसको पहले बाहर ही निकाल दें, बाहर निकालने के बाद क्लीन करने के बाद इसको डालते हैं, ईजी डल जाएगा। तो ये अगर हम इसको डायरेक्ट निकालेंगे निकलेगा नहीं, हमने इसको निकालने के लिए दबाओ फ्रेंड्स, ये देखो ये धीरे धीरे बाहर को निकल रहा है, ये देखिए ये देखिए ये धीरे धीरे बाहर को निकल रहा है, धीरे धीरे ये देखिए ऐसे धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए बस ये देखिए ये ऑयल भी बाहर निकल गया है। तो इसी तरह इसको अब हमने निकालने के बाद साफ़ करके लगाना है, ये हमारा ऑयल भी निकल चुका है जिसको हमने अच्छे से इसको साफ़ करके दोबारा लगाना है, जिससे ये जाम ना हो। तो किसी भी आप कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, साफ़ करने के बाद ये लुब्रिकेट तो अपने आप ही हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से इसको साफ़ कर लीजिए। और ये सिलेंडर जो है मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, ये हमारा सिलेंडर यहाँ पे बैठता है जाके, ये हमारा ऑयल भी यहीं पे होता है, ये यहाँ बैठता है, ये प्रेशर था ऑयल का जिसकी वजह से ये नहीं बैठ रहा था, तो मैं अब दिखाता हूँ ये अंदर बैठ गया, ये अंदर जा चुका है और दूसरी साइड से इसमें ऑयल ऊपर आ चुका होगा, ये देखिए मेन रोल फ्रेंड्स इसी का है, जो ये सिलेंडर है मेन रोल इसी का है, अगर ये जाम हो गया आपका तो ब्रेक काम नहीं करेंगे। तो वैसे ही फ्रेंड्स जो हमारा ये है इसको यहाँ से और ये यहाँ से डल जाएगा, इधर से और ये दोनों इस तरह से डल जाएंगे, ये डल गए हैं, ये डलने के बाद उसी तरह इसको ऐसे घुमा के ये क्लिप आप लगा दो इसका, ताकि मट्टी ना जाए डस्ट ना जाए, और डिस्क ब्रेक को वैसे ही ऊपर खींच के टायर में इसको फिट कर दो, इसके अंदर जो है जगह बनी होती है यहाँ पे, जहाँ ये जो जगह है ये यहाँ पे आके फिट हो जाता है, तो बहुत ही आराम से फिट हो जाएगा, इजी फिट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, टायर को आपने उसी तरह बिना टायर खोले फ्रेंड्स क्लिपर नहीं बाहर निकलेगा, और जो डिस्क है ये भी आपकी नहीं उसमें जाएगी, इसको यहाँ पर लगा के फ्रेंड्स इस साइड से आपने देखना है, और ये देखो ये इसमें फिट हो गया, ये इसमें डलने के बाद सेम वैसे ही जो आपका एक्सल था ये वाला, इसको आपने सेम उसी तरह लगा देना है, पहले ये ब्रेक की सेटिंग जो है आपकी इसको लगा देना है, उसके बाद आपने ये ब्रेक का ये देखिए, ये फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है, इस तरह से
वो वाली लगा दो आप, जब ये लग जाए फिर इधर वाली ऐसे लगा के। ये फ्रेंड्स नट तभी लगेगा जब आपका ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा। ऐसे लगाने के बाद इसके क्लिप लगा दो। उसके बाद आपने इसमें ये क्लिप लगा देना है। ये क्लिप लगाने के बाद, ये फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है क्लिप, अगर ये नहीं लगाओगे तो आप ये कभी भी निकल सकती है। तो ये देखो इस तरह से इसको लगा दीजिए और आप इसके बाद इसमें ऑयल डाल दीजिए। ये फ्रेंड्स इसको ऑयल से भर दीजिए। ऑयल से भरने के बाद, और फ्रेंड्स इसको खोलने से पहले आपने इसके ऊपर कैप लगा देनी है। ये पाइप लगाना है। ये पाइप लगाने के बाद तो फ्रेंड्स इसको जोर जोर से आपने ब्रेक इस तरह से प्रेस करना है। ये देखिए इसमें ऑयल आना शुरू हो गया है। इसमें एयर के कुछ भी बबल्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए जब फ्रेंड्स इस तरह से ऑयल आने लग जाए, ये सारा ऑयल फ्रेंड्स फ्रेश है इसमें। इसको हल्का सा टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद प्रेशर बनाने के बाद फ्रेंड्स इसको दोबारा खोलिए। ये देखिए इसमें फ्रेंड्स ऑयल इसमें आ गया है। और इसमें ऑयल आने के बाद ये देखिए इसमें जो बबल्स हैं सब निकल जाएंगे। जो एयर है इसकी अब वो बाहर निकल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें से बबल्स निकल चुके हैं। फ्रेंड्स ये हमें इसलिए करना पड़ा कि इसका जो सिलेंडर था ये फंस गया था, जिसके कारण हमें ये करना पड़ा। और ये देखिए फ्रेंड्स अब इसको टाइट कर सकते हैं हम। सही कुछ कुछ पेडल प्रेस करेंगे उसके बाद ये टाइट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स जब मैं टायर घुमा रहा हूँ, ये देखिए मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स ठीक है। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।